Hello, good morning, student. Student, in last lecture we have seen our syllabus of 11th standard. What we will study in 11th standard. And student, we had also seen the marks distribution of each chapter according to a final term exam. फाइनल टर्म एग्जाम में आपको हर एग्जाम हर चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, हमने कल वो भी देखा. फिर उसके बाद स्टूडेंट वी हैड आल्सो सीन द रिड्यूस सिलेबस ऑफ अवर 11th स्टैंडर्ड. यस स्टूडेंट, आर यू ओके विद दैट? सो स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. ओके स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग आई विल टेल यू सम बेसिक. सर सी हियर दिस डिविजन. सर स्ट्रेट फिगर लाइक दिस वी हैव एरो ऑन बोथ साइड. दिस फिगर इज कॉल्ड लाइन. ओके, एंड लाइन इज नोटेड बाय एनी स्मॉल लेटर एल. यहाँ एल है, इसकी जगह एम भी ले सकता, पी भी ले सकता, क्यू ले सकता, कैसे भी हम लाइन को नोट कर सकते. ऐसा जो स्ट्रेट फिगर है जिसके दोनों साइड एरो है, दोनों साइड एरो है मतलब इनके इसको एंड नहीं है, ये जो फिगर इसको एंड नहीं है, इनका हम इसके हम लेंथ कभी मेजर ही नहीं कर सकते, लाइन की कभी हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लेंथ इनफिनाइट होती है. ओके स्टूडेंट, इसके बाद का जो नेक्स्ट फिगर है ऐसा स्ट्रेट फिगर है जिसके एक तरफ एंड पॉइंट है और दूसरे तरफ एरो है. इसके तरफ एक एंड पॉइंट मतलब यहां पर तो इसका एंड है पर ये साइड इसका एंड नहीं है, ये इनफिनाइट डिस्टेंस पर जा रहा है. ऐसे फिगर को बोलते हैं हम रे. ऑस्टूडेंट रे को हम नोट करते हैं जो एक एंड पॉइंट है उसको एंगल लेंगे और फिर जो दूसरे साइड का है वहां पे हम उसको एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. सो वी कॉल रे एम एन. ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस स्टूडेंट सी दिस फिगर. द फिगर लाइक दिस वी हैव एंड पॉइंट्स ऑन बोथ साइड लाइक हियर देयर इज एंड पॉइंट, देयर इज एंड पॉइंट हियर. दिस फिगर इज कॉल्ड सेगमेंट. We can measure the length of segment, but we cannot measure the length of line and ray. Okay, student? And we call segment like this endpoint. So, हमने यहाँ पे name दिया है P और ये दूसरे side को हमने दिया है name Q. So, हम इसको यहाँ पे segment को name कर बोलेंगे segment PQ. Okay, student? So, student हम देखते हैं what is angle क्या है और इसके इसमें आप लोगों ने आप लोग basic क्या पढ़ा है. Whenever two lines or ray or segment meet at one point, they always form angle between them. ये क्या बोल रहा है? अगर कभी भी दो रे या दो लाइन या दो सेगमेंट अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जैसे यहां पर जैसे लाइन एल है और लाइन एम है, अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो हमेशा अपने बीच में एंगल फॉर्म करेंगे. जैसे जो ये पॉइंट मीट कर रहा है तो हमेशा एंगल फॉर्म करते हैं, ये एंगल होगा. जैसे स्टूडेंट यहाँ पे रे, ये रे है, रे ओ ए और ओ बी, ये एक पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं तो ये हमें ये भी अपने बीच में एंगल फॉर्म कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए सेगमेंट है, सेगमेंट एक्स वाई और सेगमेंट एक्स जेड, ये एक पॉइंट एक्स पे मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी एंगल फॉर्म कर रहा है. ओके स्टूडेंट, समझा आपको एंगल क्या है? कभी भी अगर दो रे या दो लाइन या दो सेगमेंट अगर एक पॉइंट मीट कर रहे हैं तो हमेशा एंगल फॉर्म करेंगे वो अपने बीच में. और स्टूडेंट अगर दो लाइन अगर एक पॉइंट मीट कर रहे हैं तो चार एंगल फॉर्म करते हैं. देखिए यहाँ पे जैसे लाइन एल और एम एक पॉइंट मीट कर रहे हैं तो वो चार एंगल फॉर्म कर रहे हैं. ये वाला एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल और एक. और स्टूडेंट यहाँ पे जो अपोजिट एंगल होते हैं जैसे ये और ये, इनकी वैल्यू इक्वल रहती है. ये वाली एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है. आपने पढ़ा ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल थ्योरम प्रीवियस सेक्शन 9-10 में. तो वाले थ्योरम से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए एक्स और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एंड दिस एंगल. ओके स्टूडेंट, दिस एंगल्स आर इक्वल. कभी अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे तो चार एंगल फॉर्म करते हैं. एंड स्टूडेंट इफ टू रे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट दे फॉर्म टू एंगल. ये दो रे अगर मीट करे एक पॉइंट हो गए
तो ये वाला एक एंगल बना रहे और एक बड़ा वाला एंगल बना रहे। वैसे स्टूडेंट अगर दो सेगमेंट अगर मीट कर रहे हैं तो वो भी दो एंगल फॉर्म करते हैं, ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल। ओके स्टूडेंट, ये दो रे यहाँ मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल एंगल एओबी फॉर्म कर रहे हैं। एंगल एओबी को एंगल को एओबी बोल सकते हैं या फिर बीओके। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे अभी सेगमेंट मीट कर रहे थे, यहाँ पे एंगल एंगल के साइन को ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल बाय एक्स जेड बोलेंगे या फिर एंगल जेड एक्स वाई ऐसे नहीं करते हैं एंगल को। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये वाला पार्ट बेसिक पार्ट, ये भी आपको नोट करना है। ओके